हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक पंचभाई फ्रॉम इंजीनियर्स क्लासेस। और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के जो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एग्जांपल सेल्फ स्टडी के लिए दिए थे उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया था, आपको याद है? ठीक है ना? हाँ, तो अच्छा, आपने सॉल्व कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं किया है तो अब तो ऊपर लिखे हैं मैंने सारे क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना? अगर नहीं किया है सो प्लीज पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अगेन मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा, आपको पता चल जाएगा, बाद में करोगे नहीं। अगर आपने मेरे वीडियोस ही देख लिए ना तो, और जितना टाइम आप काम कर रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है, उतना ही कर लिया ना तो भी फुल मार्क्स आएंगे, बाद में रिविजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से करो तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। सो बेटर आप सॉल्व कर लीजिए सारे साथ साथ एग्जाम्पल, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारे साथ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने, ठीक है? ओके, सो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आपने भी अभी सॉल्व कर लिया वीडियो पॉज करके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है पॉइंट ए इन HP एंड 20 mm बिहाइंड VP। तो मैं सब डायरेक्ट सॉल्यूशन ड्रॉ करने वाला हूँ भाई, ठीक है? पॉइंट ए इन HP एंड 20 mm बिहाइंड VP, तो 20 mm ऊपर जाएगा यानी एग्जैक्ट 2 cm ऊपर, और ये आपको हमेशा लाइट रखना है, इसको हमेशा आपको डार्क करना है। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A डैश। सर कैसे? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने क्या बोला आपको, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, पॉइंट बी 40 mm अबव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो 40 mm ऊपर हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, B डैश। ओके डन, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP चला जाएगा नीचे, सो 25 नीचे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा बोलो, B, ठीक है? ये डार्क करना है, बी डैश बी को डार्क करना है। 40, 25 मैंने अभी ऐसे ही लिखा है, उसकी मेथड है वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा ऑर्थोग्राफिक के अंदर। ओके डन, चलो पॉइंट सी इन VP एंड 40 mm अबव HP, सो इन VP एंड 40 mm अबव, 40 mm ऊपर, सो 40 mm ऊपर हमारा हो जाएगा C डैश, एंड इन VP बोला है तो ये हो जाएगा हमारा C, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉइंट डी 25 mm बिलो HP, अच्छा जी, सो 25 mm बिलो HP ये हो गया हमारा D डैश। ओके, एंड 25 mm बिहाइंड VP, सो 25 mm बिहाइंड VP ये हो जाएगा हमारा D, ओहो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉइंट ई 15 mm अबव HP, सो 15 mm ऊपर, 15 mm ऊपर ये हो गया हमारा E डैश। ओके, एंड 50 mm बिहाइंड VP तो ये भी ऊपर ही जाएगा, सो टोटल 50 हो गया और ये हो जाएगा हमारा E, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंट F 40 mm बिलो HP, सो 40 mm नीचे हो जाएगा हमारा, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, सो 40 mm नीचे हमारा हो जाएगा F डैश, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, सो 25 नीचे हो जाएगा हमारा F। ओके, और लास्ट एग्जांपल जो हर बार आएगा पॉइंट G इन बोथ HP एंड VP, तो यही मेरा G डैश और यही मेरा G। तो पहले तो आप क्रॉस चेक कर लो कितने सही थे कितने गड़बड़ थे। अच्छा, किसमें गड़बड़ की आप समझ लो, कितने बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं हमेशा लेक्चर के अंदर की सर बाकी सब तो बराबर है, सिर्फ मेजरमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती, सब ये डैश विदाउट डैश में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो बहुत छोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू को चेंज कर दिया, बराबर, जो फ्रंट व्यू है टॉप व्यू में और जो ऊपर से दिख रहा है वो आपको सामने से दिख रहा है, तो 0 mark मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। सर दूसरा एक क्वेश्चन हमें पता नहीं चला कि आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, आपने तो एक भी क्वेश्चन मैंने ड्रॉ नहीं किया, रफ में फ्री हैंड ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, सालों से पढ़ा रहे हो इसलिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रट्टा नहीं मारा है भाई, इसकी एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी कर पाओगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो इसके 2 examples बाकी है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में चालू करने वाला नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में मैं पहले इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, या तो इसी लेक्चर के एंड में मैं उसका शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, और वो शॉर्टकट के हिसाब से जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वैसे आप सॉल्व कर रहोगे, और उसके लिए सिर्फ 10 minutes का पढ़ना है बस, फिर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो सर पहले क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, शॉर्टकट भी पढ़ना है। तो कोई भी चैप्टर के अंदर मैं पहले स्टैंडर्ड भी सिखाऊंगा और बाद में शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों मेथड आपको पता चलेगी, यानी कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ जाएगी तो कॉन्सेप्ट भी पता होगा, स्टैंडर्ड भी पता होगा और हमें शॉर्टकट भी पता होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके ही नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे हम बढ़ाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़
ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना? डन। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।